नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 8 नागरिकों की मौत का बीएसएफ ने लिया बदला। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 पोस्ट उड़ाई। हमले में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी ढेर, लेकिन बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। राजौरी में फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाक जासूस रैकेट मामले में नया खुलासा। उच्चायोग में मौजूद है ISI के 16 एजेंट। पूछताछ में पाक हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर ने किया खुलासा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने जहर खाकर की खुदकुशी। वन रैंक वन पेंशन के लिए धरने पर बैठे थे रामकिशन। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी राज में किसान और सैनिक देते हैं जान। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन मनाने की कवायद हुई तेज। दिल्ली में मुलायम से मिले कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन पर हुई चर्चा। दिल्ली NCR में फिर छाई धुंध की चादर। दीपावली पर हुई आतिशबाजी का असर अब तक। हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। अमेरिका ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। कहा आतंकी संगठन IS भारत में कभी भी कर सकता है हमला, अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें। और इंग्लैंड के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान आज। ईशांत शर्मा की हो सकती है वापसी। गंभीर को मिल सकता है मौका। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।